शहर में होने वाली बारिश ने जलथल एक कर दिया। चूम, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड पर बारिश, टाउनशिप, ग्रीन टाउन, बागड़िया, मजंग, शादमान में भी बारिश, धर्मपुरा, मुगलपुरा, हरबंसपुरा में भी बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 71 मिलीमीटर रिकॉर्ड, पानी वाला तालाब में 63, चौक नाखुदा में 55, एयरपोर्ट पर 50 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेरेआब, निश्चल पार्क और गिरदो नवाह के इलाकों में बारिशी पानी जमा, फारूकगंज अंडरपास स्विमिंग पूल बन गया। 4 फीट से जायद बारिश के जमा पानी ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बाद मॉडल टाउन कचहरी, पीको रोड, कैंची बाजार, बाबा फरीद कॉलोनी, सड़कें पानी से डूब गईं। जौहर टाउन के मुतादिल इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। वज़ीर-ए-आला का नशेबी इलाकों में बारिशी पानी जमा होने पर इजहार बरहमी, बासा हुकाम को फौरी निकासी आपका हुक्म। वज़ीर-ए-आला ने एमडी बासा से रिपोर्ट तलब कर ली। वाइस चेयरमैन बासा का मॉनसून कंट्रोल रूम का दौरा, ईद के दिनों में ड्यूटी करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आला की सफाई ऑपरेशन मौसर अंदाज से जारी रखने की हिदायत, बोले गुज़श्ता रोज की तरह सफाई के बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए। गाड़ियां तसलसल के साथ गलियों, सड़कों, मोहल्लों का गश्त करें, बरबक अलाइशें उठाकर मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाएं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई के लिए कसर उठाना रखें। ईद का दूसरा रोज, घरों में मजेदार पकवानों की तैयारी जारी, प्रोफेशनल खवातीन भी खाने बनाने में मसरूफ। ईद पर चर्सी कड़ाही की तैयारी का रुझान भी बढ़ने लगा है, घरों में कलेजी, मटन, कड़ाही और चांपे बनाई जाने लगी। सीनियर सहाफी और तजिया निगार सुहेल बड़ाइस के घर ईद मिलन पार्टी, मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक इकबाल, अलाइड बैंक के ग्रुप चीफ फैसल गौरी की खुसूसी शिरकत। सुहेल ब्राइट बोले, ईद के रोज दूसरों का ख्याल रखना ही कुर्बानी का फलसफा है। जिंदगी की गाड़ी रवान दमा रखने और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ कम करने के लिए दूसरों का बोझ उठाने वाला कुली ईद के दिनों में भी मजदूरी के लिए सर करता है। दूसरों का बोझ उठाने वाले कुली कहते हैं, रेलवे के किराए से लेकर मुलाजमीन की तनख्वाहों तक इजाफा हुआ, मगर हमारी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई। लाहौर चैंबर ने सनअत और तिजारत की फौरी बहाली के लिए हुकूमत से इनकलाबी इस्लाहात का मुतालबा कर दिया है। सदर इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि ईद उल अज़हा के बाद तमाम शोबे एसओपीज के साथ मामूल के मुताबिक खोले जाएं और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हुकूमत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इनकलाबी इकदाम करें। ईद की तातीलात या कोरोना एसओपीज पर अमल, बागों के शहर की सड़कों पर वीरानियों के ढेरे, मॉल रोड, जेल रोड, केनाल रोड सुनसान, गुलबर्ग के मेन बुलेवर्ड से भी गाड़ियां गायब। परदेसियों के आबाई शहरों में ईद मनाने जाने पर शहर वीरान हो गया। एहतसाब ब्यूरो शरीफ फैमिली के खिलाफ जारी तहकीकात के सिलसिले में अहम कामयाबी, नैब ने शरीफ ग्रुप के CFO मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। गवर्नर पंजाब से IG पंजाब की मुलाकात, चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं इदारों की मजबूती पर यकीन रखते हैं, इसलिए पुलिस समेत तमाम इदारों को सियासी मुदाखलत से पाक कर रहे हैं। सूबे में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम वसायल गुहेकार लाए जाएं। अराकीन असेंबली के साथ साथ मुलाजमीन के लिए भी अच्छी खबर, स्पीकर पंजाब असेंबली की हिदायत पर MPS हॉस्टल की तौसी और मुलाजमीन के लिए फ्लैट की तामीर का काम शुरू, चौधरी परवेज इलाही ने काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान की दम दिलचस्पी, ऐबान में कानून साजी का अमल मुतासिर होने लगा, 10 माह से जायद गुजर गए, इल्तिबा का शिकार मुसवदा कानून मंजूर न हो सका। वासा का बगैर कनेक्शन पानी इस्तेमाल करने वालों को कानून के शिकंजे में लाने का फैसला, प्रॉपर्टी तफसीलात से लाखों का फर्क होने पर वासा ने एक्साइज एंड टैक्सेशन से प्रॉपर्टीज की तफसीलात मांगी।
कानूनी माहिरीन ने जेलों को कैदियों की इसलाह की बजाय बिगाड़ का बाइस करार दे दिया। कहते हैं मुलजिमान जेल जाने के बाद इसलाह करने की बजाय मजीद बिगड़ जाते हैं। जेलों में इसलाह का खाते ख्वाह इंतजाम नहीं है। जेलों में कैदियों की इसलाह के लिए तवज्जो देना होगी। सोशल सिक्योरिटी इंतजामिया ईद की छुट्टियों में भी मुतहर्रिक। वाइस कमिश्नर हामिद महमूद मलही के सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स के दौरे। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान रोड, रहमतुल्लाह आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। सोशल सिक्योरिटी कोट लखपत और दीगर हॉस्पिटल्स में भी गए। हामिद महमूद ने हॉस्पिटल्स के मुख्तलिफ शोबाजात का भी मुआयना किया। और जानवरों से प्यार करने वालों की कमी नहीं। शौकीन अफराद अपने जानवरों पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। लाहौर की रिहायशी मिसेज रियाज भी बिल्लियों पालने की शौकीन है। मिसेज रियाज बरसों से अपनी बिल्लियों के नाज नखरे उठा रही हैं। कहती हैं हर बिल्ली का नाम है, जिसे पुकारती हूँ भागी चली आती है।